आपकी आवाज। मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी न्यूज। डॉक्टर प्रताप नारायण मिश्रा स्मारक इंटर कॉलेज का देखने को मिला सराहनीय कार्य। कोविड 19 के चलते पूरा देश महामारी से परेशान था, लेकिन आपको बताते चले उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद के सिंहपुर विकास खंड क्षेत्र के डॉक्टर प्रताप नारायण मिश्रा स्मारक इंटर कॉलेज राजा फतेहपुर के प्रबंधक उपेंद्र मिश्रा का देखने को मिला सराहनीय कार्य। कोरोना की मार से परेशान था, वहीं पर उपेंद्र मिश्रा ने अपने स्कूल के जितने भी स्टूडेंट थे सबकी उन्होंने 6 माह की फीस माफ करके विद्यार्थियों के माता पिता के दिल में जगह बनाने का कार्य किया। क्षेत्र में डॉक्टर प्रताप नारायण मिश्रा स्मारक इंटर कॉलेज की सराहना लोग कर रहे हैं। वहीं पर प्रबंधक उपेंद्र मिश्रा ने कहा, भगवान न करे देश पर कोई संकट आए, हम समाज से जुड़े हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में एक दिन अमेठी जनपद तो क्या हमारे स्कूल की पहचान उत्तर प्रदेश में जानी जाएगी। वहीं पर विद्यार्थी अंकिता शुक्ला व शाही न लवली यादव, यश पांडे, विनोद कुमार आदि छात्राओं ने स्कूल के प्रबंधक को दिल से धन्यवाद दिया और कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमारे प्रबंधक की ऐसी सोच रहे और ऐसे ही समाज के प्रति, लोगों के प्रति इनके दिल में ऐसी ही जगह बनी रहे और भगवान हमारे विद्यालय को इतनी ऊंचाई पर ले जाए कि शायद समाज में जो बुराइयां हैं, शिक्षा धन उगाही होती है तो ऐसा नहीं है। एक न एक दिन डॉक्टर प्रताप नारायण मिश्रा स्मारक इंटर कॉलेज जनपद ही नहीं उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र तक नाम जाना जाएगा। वही क्षेत्र में दर्जनों लोगों ने बताया ये काम बहुत सराहनीय कार्य है, यही सोच, यही उज्जवल भविष्य एक न एक दिन केंद्र की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अमेठी से जिला संवाददाता आमिर हुसैन की खास रिपोर्ट। लाइव टीवी, तो आपको बताते चले कि कोविड 19 के चलते पूरा देश अभी परेशान था, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में एक ऐसे टीचर पाए जाते हैं जिनसे उनकी एक शिक्षा को लेके शिक्षा के दिशा में आगे प्रगति हुआ है। जो है आपको बताते चले समाज में हमने इंडिया तक न्यूज चैनल के माध्यम से देखने का कार्य किया है। कुछ लोग शिक्षा पे जो है तमाम कमेंट करते हैं कि जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है धन उगाही का क्षेत्र है, लेकिन मैं इंडिया तक न्यूज चैनल के माध्यम से हमने ये स्कूल देखने का कार्य किया है। चाहे वो इनका जो यहाँ के जो है प्रधानाचार्य है या लोगों में इनका एक अच्छा प्यार रहा है, रिजल्ट को लेके बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, लोगों में एक जनपद का नाम रोशन करने का कार्य किया है। तो जैसा कि इंडिया तक न्यूज चैनल के माध्यम से हमने देखा कि देखने का कार्य किया कि ये स्कूल में जो है मतलब प्रधानाचार्य द्वारा जो है जब देखा नहीं गया, कोरोना काल से पूरा देश पीड़ित था, अभिभावकों को तमाम दिक्कतें होती थी, लेकिन जो है इनके द्वारा एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य नजर आ रहा है। तो इन्होंने टोटल बच्चों की फीस माफ कर एक जो है उनके दिल में घुसने का कार्य किया है। तो मैं इंडिया तक न्यूज चैनल के माध्यम से मैं सर से बात करना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? इंडिया तक न्यूज चैनल के माध्यम से देखने का कार्य किया है। सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज चैनल को धन्यवाद देता हूँ। हमने इंडिया तक न्यूज चैनल के माध्यम से देखने का कार्य किया है कि आपने इस कोरोना काल से देश पे पूरा संकट हुआ था, देश पूरी तरह टूट गया था, लेकिन आपने जो एक बहुत बड़ा जो है कदम उठाया है, जो बच्चों की फीस माफ करने का कार्य किया है, तो किस प्रकार से कार्य माफ किया है जो है और क्या संदेश देना चाहते हैं स्टूडेंट को? सोचे थे कि पूरे विश्व में कोविड 19 के तहत जो समस्याएं उत्पन्न हुई उसे पूरा देश, पूरा विश्व सामना कर रहा है, और विद्यालय प्रबंधन द्वारा ये निर्णय लिया गया कि इस महामारी के समय में बच्चों पर ज़्यादा बोझ न दे करके उनकी 6 महीने की फीस माफ़ की जाए। और इसमें हमारे समस्त अध्यापक, प्रधानाचार्य जी और हमारे मैनेजमेंट के लोग भी सम्मिलित थे, और हम सब लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम बच्चों की फीस अक्टूबर माह से लेंगे। और इसके लिए हम पूरे स्टाफ को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस पर सरसम्मत से इसको पास किया कि आज आप सब लोग जो है फीस को अक्टूबर माह से लिया जाए। और मैं समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि इस तरह के कदमों से निश्चित रूप से अभिभावकों को बड़ा जो है संदेश जाएगा और उनको राहत भी मिलेगी। निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देता हूँ। अच्छा कि हमने उपेंद्र मिश्रा जी से यहाँ से बात किया इंडिया तक न्यूज चैनल के माध्यम से, अब मानना क्या होगा कि मतलब क्षेत्र में लोग क्या इनको प्यार देते हैं, स्टूडेंट क्या आशीर्वाद देते हैं कि इनकी सोच हमेशा ऐसे रहेगी? तो इंडिया तक न्यूज चैनल के माध्यम से तमाम स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ क्या आप में खुशी है, सर को क्या धन्यवाद देना चाहते हैं, किस प्रकार से उनको जो है एक धन्यवाद देना चाहते हैं? तो इंडिया तक न्यूज चैनल के माध्यम से कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, मैं बात करना चाहता हूँ स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका जी?
आपके यहाँ फीस माफ को लेके जो है आप सर को क्या धन्यवाद देना चाहते हैं, किस प्रकार से मतलब सर को धन्यवाद देना चाहते हैं? तेज बोलिए थोड़ा। धन्यवाद है कि अच्छा कदम है। जी सर, फीस माफी के लिए धन्यवाद है सर के लिए कि अच्छा कदम है और हमारे लोगों की प्रॉब्लम को सर समझ कर फीस माफ किए हैं। और सब इंडिया तक न्यूज चैनल के माध्यम से जैसा कि स्टूडेंट कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा सराहनीय कदम है और मैं सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, अब ऐसे में क्या मानना होगा? और भी तमाम स्टूडेंट हैं तो एक बहुत बड़ा ये कदम है जो है, मतलब कोरोना काल में पूरा देश टूट चुका है जो है, शिक्षा किसी की मोहताज नहीं होती है। क्षेत्र को इन्होंने एक स्कूल के प्रबंधन द्वारा क्षेत्र के लोगों को संदेश दिया कि शिक्षा किसी की मोहताज नहीं होती है। लोग क्षेत्र पर जो शिक्षा पे जो है धन उगाही की बात करते हैं, इससे ये दर्शाता है कि शिक्षा किसी की मोहताज नहीं होती है। आज भी शिक्षा ऐसी क्षेत्र में ऐसे लोग हैं, ऐसे टीचर हैं। तो आइए कुछ लोग और हैं, उनसे बात करना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? डब्ल्यू जी, मैं जानना चाहता हूँ आपके प्रबंधन द्वारा कोरोना काल में पूरा देश टूटा था लेकिन सर से नहीं रह गया, देख नहीं गया, अभिभावकों को संतुष्टि के लिए आप लोगों की फीस सर ने माफ़ किया है, तो स्कूल सर को क्या धन्यवाद देना चाहती हैं? मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने हमारी समस्या को समझा और फीस माफ़ किया। मैं चाहती हूँ कि हमारे सर इसी तरह हम लोगों को पढ़ाते रहें और अनेक बच्चों को शिक्षा देते रहें। मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से क्या प्रार्थना करती हैं सर के लिए, उनके सेहत में या उनके जो है भविष्य के लिए क्या भगवान से प्रार्थना करती हैं? मैं ईश्वर से आगे बढ़ें। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे सर बहुत आगे बढ़ें और उनकी दीर्घायु। धन्यवाद आपका। तो ऐसे में क्या मानना होगा, जैसे कि जो बच्चों में एक ललायत एक चेहरे पे जो है खुशी की लहर छा गई है, तो आइए मैं स्कूल के जो है मार्ड साहब से जानना चाहता हूँ। प्रिंसिपल सर से, क्या नाम है आपका? महेश सिंह तिवारी मेरा नाम है, विद्यालय का मैं प्रधानाचार्य हूँ। इंडिया तक न्यूज चैनल के माध्यम से हमने देखने का कार्य किया है जो बच्चों की इस कोरोना का संकट है, आप लोगों ने फीस माफ कर एक क्षेत्र में एक संदेश दिया है कि आज भी शिक्षा किसी मोहताज नहीं है और अच्छी टीचिंग अच्छी व्यवस्था हमेशा रही है, तो क्या संदेश देना चाहते हैं क्षेत्र के लोगों को? निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि इस वैश्विक महामारी को देखते हुए समाज का प्रत्येक वर्ग आर्थिक व्यवस्था से जूझ रहा है, उस व्यवस्था में हम ज़्यादा सहयोग नहीं कर सकते, तो हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं कम से कम उनके लिए कुछ ना कुछ सहयोग कर सकते हैं। उस सहयोग के रूप में हमने 6 महीने की विद्यालय प्रबंधन तंत्र द्वारा, विद्यालय के प्रधानाचार्य, विद्यालय के समस्त अध्यापकों द्वारा ये सामूहिक निर्णय लिया गया कि निश्चित रूप से हम इस कोरोना काल के संकट में सबके साथ हैं, कदम से कदम, कंधे से कंधे जोड़ करके हम सहयोग करना चाहते हैं। सभी को उच्च शिक्षा मिले, कोई भी बच्चा शिक्षा के लिए वंचित ना रह जाए, आर्थिक व्यवस्था से जूझ रहे सभी लोग शिक्षा में आगे बढ़ें, यही कामना करते हुए हमने विद्यालय की 6 महीने की शुल्क सभी बच्चों की माफ किया। मैं जानना चाहता हूँ सर, इंडिया तक न्यूज चैनल के माध्यम से भगवान ईश्वर लग रहे देश कैसे संकट है, क्या जिस प्रकार से स्टूडेंट के लेके आपने बहुत बड़ा व्यवस्था दी है इस माफ को लेके, क्या कोई ऐसे भविष्य में लोगों की मतलब स्टूडेंट की यही प्यार देते रहेंगे? निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि विद्यालय इसी तरह ईश्वर से प्रार्थना है कि चलता रहेगा, तो निश्चित है इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हम लॉन्च करेंगे, समाज के बच्चों को बहुत सारे लाभान्वित होंगे, निश्चित रूप से वो आगे बढ़ करके एक अच्छे प्रशासनिक ऑफिसर बनेंगे, अच्छे अधिकारी बनेंगे, उसके लिए हम लोग जो भी आर्थिक शारीरिक मानसिक जो भी सहयोग होगा वो समाज को देते रहेंगे और सदैव ये विद्यालय देता रहा है। यही कारण है कि आप लोगों के आशीर्वाद और सहयोग के कारण आज विद्यालय का प्रथम स्थान जिले में नाम आया है, ये इसी का परिणाम है शायद। जिस प्रकार से विद्यालय का नाम जिले में प्रथम आया था, आपकी क्या मंशा है कि भविष्य में जो है जिले नहीं पूरे प्रदेश में? निश्चित रूप से हम लोग इतनी परिश्रम करने के लिए निरंतर तन्मय होकर के लगे हुए हैं, इसमें कोई एक अध्यापक नहीं है, विद्यालय के समस्त अध्यापक अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करके विद्यालय के सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी तामील, अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, जिससे अब की बार तो जिले में नाम आया है, भविष्य में प्रयास किया जाएगा कि प्रदेश में नाम आए और लोग यहाँ से शिक्षा से लाभान्वित हों और अच्छे पदों पर जाकर के प्रतिष्ठित हों, ऐसी कामना। धन्यवाद आपका। इंडिया तक न्यूज चैनल के माध्यम से हमने विद्यालय के प्रधानाचार्य से बात किया जो है, जैसा कि उन्होंने बताया हमारे रिजल्ट जो है एक जनपद में आया था, लेकिन इस बार जो है अगर ईश्वर ने चाहा, जो हमारी मेहनत है, जो बच्चों में प्रेम है, तो इस बार जो है उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश में ये नाम स्कूल का जाना जाएगा। तो कैमरामैन अमेठी सेनान बाबू, जिला संवाददाता।